क्या है, किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चाइना मोज़ेक, आपको पता होगा। वो पूरी एक टाइल्स आती है, उसके टुकड़े करके ऐसे लगाते हैं। हेलो गाइस, क्या हम बोला मजा मन है, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, अभी सुबह के बज रहे 10 और मैं खा रहा था उबले हुए चने। बाफिला को हिंदी में क्या बोलते हैं? उबले ही बोलते हैं। उबले हुए चने खा रहा था, देख सकते हो आप लोग, इसके मजे ले रहा था और दूसरी तरफ फॉर्म भर रहा था AMTS क्या कहा, मिस्टेक हो जाती, कंफ्यूजन होता है BRTS और AMTS में। BRTS ब्लू बस और AMTS इतने रेड बस। तो इसका मैं वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट पास फॉर्म भर रहा था, क्योंकि मैंने पास तो लिया हुआ है लेकिन वो एक्सपायर हो गया, तो अब उसको रिन्यू तो करना पड़ेगा। तो रिन्यू का फॉर्म भरा था, क्योंकि 2-3 दिन बाद मुझे अहमदाबाद जा ही रहा हो तो दे दूंगा, एक घर से भर के ही ले जाता हूँ। ठीक है, आप भी भर सकते हो, आप स्टूडेंट हो तो आपको कितने 40% डिस्काउंट मिलेगा। आपको आपको ये फॉर्म है ना, BRTS स्टैंड होता है वहाँ से मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके उनको कहने का स्टूडेंट पास फॉर्म दो तो वो दे देंगे आपको फॉर्म। और वहाँ लिखा ही होगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। देखो, कुछ खास नहीं चाहिए होंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपके चालू सेम की कॉलेज की फी रिसिप्ट, वो नहीं हो तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी चलेगा, और आधार कार्ड की जेरोक्स बस। और फिर वो कॉलेज में कार्यालय में साइन करवा के बाद दे देने की, वो आगे की प्रोसेस करेंगे। और आपका नया फॉर्म भरने का है तो वो ICICI बैंक का कैपिटल कोई फॉर्म आएगा पूरा, वो भर के देने का। वहाँ से फिर कार्ड आएगा, वो कार्ड चालू करवाने का, OTP आएगा, वैसे वैसे होता है। तो आप फॉर्म भरोगे तो वो आपको समझा देगा क्या क्या करना है। ठीक है, तो मैं चलो फॉर्म भरना, वो कुछ खास नहीं है फॉर्म में। तो ये देख सकते हो, पहले आपका एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, बर्थडे डेट, आप कौन सी स्टडी कर रहे हो, कॉलेज नेम, एड्रेस, जा रहते हो वहाँ, ये सब तो कॉलेज वाले भरेंगे, और ये भी वो BRTS ऑफिस वाले ही भरेंगे। आपको सिर्फ ये भरना और ये टिक करना है, आपका न्यू फॉर्म है या रिन्यूअल। आपका नया फॉर्म भरना है तो वो फॉर्म थोड़ा अलग आएगा, ICICI बैंक का आएगा। और फिर जब आपका कार्ड आ जाएगा तो ऐसा आएगा, आपका कार्ड आ जाएगा तो आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, तो आपको BRTS बस स्टैंड से कलेक्ट कर लेगा इसको, और फिर वहाँ उसको अनबॉक्सिंग करके वो मशीन होती है ना, वो कर देंगे, उनको बोलने का ये मेरा कार्ड चालू करने का, तो वो कर देंगे। और आप जो फ़ोन नंबर देते हो वही देना चालू, क्योंकि उसमें OTP आएगा, वो OTP देना पड़ता है। ठीक है, तो चलो मैं तो भर देता हूँ फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आएंगे, तो बस गाइस फाइनली मैंने BRTS बस स्टैंड को पास वाला फॉर्म था वो मैंने भर के रख दिया है। उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लगाने, बाकी अटैचमेंट करने, वो जेरोक्स, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बस। 2 दिन के बाद अहमदाबाद जाऊँगा तो MG लाइब्रेरी वाले BRTS स्टैंड है वहाँ दे दूँगा। हमारा BRTS स्टैंड वही है, हम वहाँ से जाते हैं, वहाँ से ही फॉर्म लिया था और वहाँ सबमिट कर देंगे। आप किसी भी स्टैंड पर दे सकते हैं फॉर्म तो, ठीक है। और रिन्यू तो तुरंत हो जाता है, वो मशीन में कर देते हैं, लेकिन न्यू फॉर्म लोग न्यू कर लेंगे तो आप उसमें 2 हफ्ते जैसे लग जाएगा, 2-3 हफ्ते आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा कि आपका कार्ड आ गया, तो आप कलेक्ट कर सकते हैं BRTS स्टैंड से। ठीक, तो चलो अब कुछ करते हैं। तो मैं अभी वापस अपने प्लॉट पर आ गया हूँ देखने के लिए कितना काम हुआ है, तो चलो देखते कितना काम हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ, वो टाइल्स लाई थी, वो टाइल्स कुछ बाथरूम में लग गई, टाइल्स लग गई भाई, क्या लग रही है जब। और ये सीमेंट की बोरियाँ पड़ी भाई, और वो लाए थे, वो टाइल्स मैंने उतराई थी, वो के देखते और क्या अंदर देख लेते एक बार, चलो फिर से। ठीक है, अंदर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, अंदर तो वैसा नहीं वैसा ये कुछ हुआ होगा, ऊपर की वो टाइल्स वो लग गई लगता है, टेरेस की टाइल्स नहीं वो लग गई लगता है, चलो देखते ऊपर जाकर। ठीक है, ये सीढ़ी अभी कच्ची है, पक्की तो बन गई लेकिन वो भी टाइल्स लगी थी इसके ऊपर। तो भाई आप लोग देख सकते हो टेरेस की वो टाइल्स लग चुकी है, इसको क्या बोलते पता नहीं, मुझे याद था वो भूल गया, तो पूरी वाइट ही वाइट, वो पानी पक्का हो जाए इसके लिए वो पाले बनाए, पानी भरा हुआ अंदर पूरा, क्या वो पक्का हो जाता है, एकदम मजबूत हो जाता है। और पता नहीं इसको क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, मैं आपको याद करके बताता हूँ ठीक है। चलो मेरे दादा तो भी दिखा नहीं, चलो नीचे जाके ढूंढता हूँ। और सामने पहाड़ दिख रहे हैं भाई, क्या मजा, क्या मस्त व्यू। अरे ऊपर सारी पतंगें चल रही है भाई साहब, अभी उत्तरायण की आ रही है, संडे को है, अगले संडे को, इस संडे का नहीं, अगले संडे को भाई मकर संक्रांति, मजा आ जाएगा, पतंग वतंग लेने चलेंगे साथ में। काइट फेस्टिवल भी है अहमदाबाद में, वो भी देखने चलेंगे ठीक है। चलो ढूंढते हैं पहले दादाजी को, और या तो पानी भरा पड़ा है, कूद के जाना पड़ेगा वहाँ से ठीक है, पाले बांधे हुए। मुझे पता चल गया है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाइना मोज़ेक, आपको पता होगा। वो पूरी एक टाइल्स आती है, उसके टुकड़े करके ऐसे लगाते हैं, छोटी टाइल्स आती है, बड़ी नहीं, उसके किसी से टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके फिर सीमेंट से उसको लगाया जाता है। तो गाइस अभी दौड़ते दौड़ते पहुँच चुके हैं गायत्री मंदिर, तो चलो चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं। मैंने कहा याद कहा है, तो मैंने सोचा अंदर मंदिर में जाके ही आए थे मैं मंदिर अभी, क्योंकि कुछ गीत चालू है, तो चलो चलते हैं अंदर और दर्शन करके फिर निकलते हैं। वापस जाना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ अभी लेना है, तो चलो चलते पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं ठीक है अच्छे से। चलो मंदिर, तो चलो चलते हैं अंदर। का खेत भाई कितने हरियाली वाले, तो पीले पीले फूल आए भाई साहब, क्या नज़ारा है, मस्त मस्त ब्यूटीफुल वे, मज़ा आ गया भाई। तो चलो अब चलते नीचे गार्डन में, ग्राउंड मार्केट, फिर चलते फिर से प्लॉट पर, पहाड़ लेने जाना है। अब आप लोगों को दिखा रहे जा रहा हूँ गायत्री मंदिर की गौशाला, वहाँ जहाँ दूध भी मिलता है, तो चलो दिखाता हूँ गौशाला भाई, क्या इतनी सारी गाय है भाई साहब, देख सकते हो रहे छोटे बच्चे अभी। ये पूरी गौशाला है भाई साहब, कितने बड़े बड़े, वो देखो साला सांड खड़ा है, सांड भाई। सभी मैं दर्शन करके आज चूल्हे में बैठा हूँ भाई, शांति भाई मंदिर में आके क्या शांति मिलती है भाई साहब, एक बार भजन चल रहा है और भाई क्या शांति है भाई, क्या वाइट, मजा आ गया। अभी गार्डन में जाना बाकी, तो यहाँ से 5 मिनट के गार्डन में चलते हैं ठीक है। तो गाइस अभी मैं चल रहा हूँ वैक्यूम वाले, वो होता है क्या बोलते हैं, वैक्यूम वाले कांटे पर चल रहा हूँ भाई साहब, पैर में ऐसा हो रहा है भाई, देख सकते हैं आप, बात खराब हो गई भाई, ऐसा लग रहा है। तो ये प्लेन, ये नॉर्मल है, ये कांटे वाले है, ये गोल वाले है, पैर में ऐसा वैक्यूम हो रहा है भाई, पैर दर्द करने बंद हो गए। तो चलो सामने प्ले एरिया, अब एक राउंड मार के फिर वापस चलते भाई। ये कांटों वालों पर तो नहीं चला जा रहा भाई, पैर में ऐसे चुभ रहे हैं भाई साहब, मतलब वो सॉइल चुभ दियो पैर, ऐसा लग रहा है भाई नहीं चला जा रहा। मैं कभी नॉर्मल पे चल रहा हूँ, कभी कांटे वाले पर आ रहा हूँ भाई साहब। तो चलो जल्दी से एक राउंड कैसे तरह कांटे पर मार देते, और फिर चलते हैं बाइक लेके फिर से प्लॉट पर, वो पहाड़ लेने जाना है आपको, याद है, याद करना ठीक है। चलो चलो सबसे पहले अपनी अपाची बाइक ढूंढते कहाँ रखी थी, वैसे तो ज़्यादा भीड़ नहीं, क्योंकि संडे को ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर भाई साहब, संडे को आप आ नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। अपनी अपाची कहाँ गई, वो खड़ी, चलो जल्दी से अपनी अपाची लेकर प्लॉट पर चलते हैं, अंधेरा भी हो गया, मुझे कहीं बाहर भी जाना है, बाजार जाना है कुछ खाने का लेने के लिए ठीक है। चलो जल्दी से चलते हैं, और पीछे मंदिर भाई साहब, क्या वाइब थी, एकदम मज़ा आ गया, मन एकदम शांत हो गया भाई साहब, आना चाहिए आपको भी मंदिर में जाना चाहिए ठीक है। तो चलो मैं निकल अपनी अपाची चाबी लगाते और फिर निकलते हैं। तो गाइस फाइनली प्लॉट पर पहुंच गए हैं, जरा पाउडर लेके चलते हैं वहां करते हैं। गाइस फाइनली 15 मिनट वेट करने के बाद हमको टिकड़ी भजिया मिल गए, तो चलो अब टिकड़ी भजिया लेकर चलते हैं वापस अपने मामा के घर, अब वेट नहीं हो रहा है, मुँह में पानी आ रहा है ठीक है, जल्दी से खा दें इसको घर जाके, चलो चलते हैं घर। गाइस फाइनली मैं टिकड़ी भजिया लेके अपने मामा के घर आ चुका हूँ वापस खाने के लिए भाई, क्या है देखने में इतना डिलीशियस और स्वादिष्ट लग रहे, तो खाने में क्या हो गया, मैंने तो खाए हुए, मुझे पता है कैसे, आप भी खाना चाहते हो तो आप पालमपुर में रहते हो तो खा जा सकते हो, गठामन गेट का जो पेट्रोल पंप है उसके बाहर जो लारी है भजिए की, वहाँ मिलते हैं। और फ्राइडे को वैसे तो डेली मिलते हैं, लेकिन वो डुंगली वाले फ्राइडे को ही मिलते हैं, और फ्राइडे को इतनी भीड़ होती है भाई साहब, क्या बताओ, आज तो खाली था, मैं थोड़ा जल्दी गया था इसलिए। और भाई देखो भाई साहब क्या लग रहे हैं भाई, खाने में क्या हो गया भाई, भाई एक नंबर, इसको डुंगली के साथ खाओ मजा आ जाएगा। चलो मैं तो इंजॉय करता हूँ ठीक है, मुझे पता है क्या,
मुँह में भी पानी आ रहा है, पर क्या करूँ, खिला तो सकता नहीं फोन में से, इससे अच्छा मैं ही खा लेता हूँ, ठीक है फोन को खिलाओ, इससे अच्छा मैं नहीं खा लूँ। गाइस फाइनली इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और आज का दिन खत्म होने का वक्त भी हो गया है। कितने बज गए, 8:30 बज चुके और आज खाने में खा रहा हूँ चाय, पापड़ और रोटी। बस आज सब्जी खाने का मन नहीं था और भूख भी नहीं थी क्योंकि अभी टिकड़ी भजिया खा के आया हूँ, तो बस चाय पापड़ और रोटी ही खा रहा हूँ। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट एंड आउट जाओ।